नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में बात करेंगे हम कि यूपी में अभी कौन क्या है, और प्लस जो पूरी लिस्ट है चाहे सीएम की हो कि कितने अभी तक यूपी में मुख्यमंत्री रहे हैं, कितने जो है विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, कितने विधान परिषद के जो है वो चेयरमैन रहे हैं, प्लस कितने गवर्नर रहे हैं यूपी में अभी तक शुरू से लेके, और प्लस इनसे रिलेटेड फैक्ट कि सबसे कम उम्र में कौन जो है सब ये सीएम बना, सबसे ज़्यादा बार सीएम कौन बना, सबसे ज़्यादा बार ये चीफ मिनिस्टर कौन रहा। उससे पहले कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ, 17वां जो यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 41 महिलाएं ही जीती थी, जो मुझे ऑफिशियल डेटा मिला है। आप चाहें तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा की साइट पर जाके देख लीजिए, या फिर उस टाइम के इलेक्शन की जो न्यूज़ है उस पर जाके देख लीजिए। 42 जो लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, मैंने सारा इसमें चेक कर लिया है, मुझे अभी तक कोई ऐसा सोर्स नहीं मिला जहाँ पे 42 लिखा हो, या फिर 40 मिल रहा था या 38 मिल रहा था, फिर मैंने सब कुछ चेक किया तो जो ऑफिशियल साइट पे वही माना जाएगा, सिंपल बात है। और जो है हाईएस्ट मतलब लार्जेस्ट एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट है खीरी, और स्मॉलेस्ट वाला है जो हापुड़, ये मैंने लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, ठीक है, पहले वाले वीडियो में ही बता दिया गया था। उसके अलावा और भी बात करें, अगर दो तीन और कमेंट आए थे, एक कमेंट ये आया था NCR में हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट, नहीं ऐसा नहीं है, NCR की मैंने साइट से उठाया है ये डेटा, ये NCR की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से उठाया है ये, अभी तक का अपडेटेड जो है उसमें अगस्त 2019 तक में तो यही है कि यूपी के 8 जिले हैं, हरियाणा के 13 जिले हैं, बाकी प्रपोजल वाली बात चल रही हो तो अलग बात है, लेकिन अभी जो है आज की डेट में बता रहा हूँ 28 सितंबर 2019 तक इतने ही हैं, हरियाणा के 13 हैं, यूपी के 8 हैं, राजस्थान के 2 हैं और दिल्ली पूरा है, ठीक है। फिर उसके बाद और एक दो क्वेश्चन आए थे, वो बिल्कुल ज़रूर जो है यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, ये सारी चीज़ सही है, एक चीज़ ये करेक्शन है यहाँ पे, विकास प्राधिकरण जो है वो हाँ अब 28 नहीं 29 हो गए हैं, और 29वां जो है मिर्ज़ापुर हो गया है, पहला ये करेक्शन है यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। जिन्होंने भी इसमें रिप्लाई दिया था उनका नाम नहीं याद आ रहा है, कोई बहनी जी हैं, कोई मैडम जी हैं, मतलब जैसे मैं जो लड़कियां उनको बहनी जी बोलता हूँ, तो वो वाली बहनी जी नहीं है जो यूपी की सीएम रह चुकी है, वो मेरा एक तरह से जैसे मैं भैया जी बोलता हूँ ना, वह उस वाली वो बहन जी हैं, मैं बहनी जी बोलता हूँ, तो मतलब ये हमारी कोई सिस्टर ने ही यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 653 नहीं है, टोटल जो यूपी में सिटीज़ हैं विद म्यूनिसिपैलिटी वाली वो 654 हो गई है, मतलब 653 नहीं 654 हो गई है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 17 ही हैं, बिल्कुल सही बात है। एक यहाँ पे और यहाँ पे अपडेट है, ये अभी आप लोग नहीं पकड़ पाए, फिर मैंने और यहाँ पे सर्च किया है, नगर निकाय जो पालिका परिषद वाले हैं 202 हो चुके हैं अभी, 199 बता दिया था मैंने, तो एक ये भी है यहाँ पे कन्फ्यूज़न, तो ये भी आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, उसके बाद तो ये लगभग पूरे फैक्ट क्लियर हैं। देखिए अगर एक बात मैं बता दूँ, इतना डेटा होता है कि मैं खुद ही कोशिश करता हूँ कि हमारी तरफ से कोई गलती ना हो, मेरे से मतलब कोई डेटा बच जाए बहुत ही वैसी बात हो जाती है, लेकिन फिर भी इंसानों से गलतियाँ तो होती हैं, मैं मानता हूँ कि गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन बहुत ही मतलब माइन्यूट सी मिस्टेक होगी अगर मेरे से होगी, मैं बहुत चेक करता हूँ, घंटों में बैठा रहता हूँ गूगल में ही, ठीक है। तो ये वाली आप ध्यान रखिएगा, 17वीं विधानसभा में 41 महिलाएं चुनी गई थी, 42 नहीं है ये, 41 है ये, और जो है आपका 17वां लोकसभा में बात करेंगे तो 78 महिलाएं चुनी गई थी, दोनों फैक्ट याद रखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मैं ये वाला गलत तो बता ही नहीं सकता हूँ। देखिए ये जो है ये ऑफिशियल साइट से डेटा लिया हुआ है, मैंने नहीं बनाया है, ये ऑफिशियल साइट से काट काट के निकाला है। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं यूपी में, पहले बात करते हैं कि इस समय कौन क्या है, उसके बाद बात करेंगे पूरी लिस्ट जो इंपॉर्टेंट जी की है। जैसे इस समय चीफ सेक्रेटरी हैं आर के तिवारी, वो एक्टिंग है मतलब कार्यवाहक हैं, परमानेंट अभी पोस्टिंग नहीं की गई है यहाँ पे यूपी में चीफ सेक्रेटरी की। DGP हैं इस समय OP सिंह, 23 जनवरी 2018 से हैं, अध्यक्ष यूपी लोकसभा के हैं डॉक्टर प्रभात कुमार, अध्यक्ष जो हैं आपके उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के हैं ईश्वर शरण विश्वकर्मा, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड यानी कि उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के हैं वीरेश कुमार, अध्यक्ष UP SSC के हैं चंद्र भूषण पालीवाल, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे रखा है तो अभी मतलब ये पोस्ट खाली है कुल मिला के। अध्यक्ष मानव अधिकार जो आयोग है यूपी में उसके हैं न्यायाधीश सैयद रफत आलम, चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर हैं L वेंकटेश्वर लू, ये हैं इस समय। फिर स्टेट चीफ जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं इस समय यूपी में वो है मनोज कुमार,
महाधिवक्ता यानी कि जो टॉप लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट के, एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो हैं राघवेंद्र सिंह। फिर लोकायुक्त हैं यूपी में, इस समय ये न्यायाधीश संजय मिश्रा। उप लोकायुक्त हैं शंभू यादव। अध्यक्ष जो हैं 17वीं विधानसभा के हृदय नारायण दीक्षित हैं। बताइए किस पार्टी से हैं ये, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभापति विधान परिषद के हैं इस समय रमेश यादव। अभी मैं ये सब चीज़ें बता चुका हूँ आपको, यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये देख रहे हैं आप, जैसे विधानसभा के जो हैं विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये कौन है इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन है राम गोविंद चौधरी। और यहाँ पे जो हैं आपके ये असेंबली में मतलब स्पीकर कौन है, हृदयनाथ दीक्षित। ठीक है, यहाँ पे जो है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें अगर आप, विधान परिषद, इसमें रमेश यादव हैं इस समय अध्यक्ष, और लीडर ऑफ अपोजिशन है अहमद हसन, और लीडर ऑफ हाउस है डॉक्टर दिनेश शर्मा। ये सब मैं पहले मतलब अपडेट कर चुका हूँ, ये वाली चीज़ वही है यहाँ पे। ठीक है, इस समय यूपी में जो इलाहाबाद जिसको अब प्रयागराज बोला जाने लगा है, प्रयागराज हाईकोर्ट के जो है मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट के 47वें चीफ जस्टिस वो हो गए हैं जस्टिस गोविंद माथुर। 46वें थे न्यायाधीश दिलीप बाबा साहब भोसले। फिर ये पांचवा जो राज्य वेतन आयोग है, वित्त आयोग है, मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है आनंद मिश्र है उसके अध्यक्ष। राज्य योजना आयोग यानी कि स्टेट जो प्लानिंग कमीशन है उनके योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। SC ST आयोग के ब्रजलाल, और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग मतलब बैकवर्ड कास्ट जो कमीशन है उसके जो है अभी कोई नहीं है। महिला आयोग के यानी कि जो वुमेन कमीशन है उनका विमला बाथम है, और राज्य अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी कमीशन के तनवीर हैदर उस्मानी। तो ये तो हो गई नियुक्तियाँ, मतलब जो लेटेस्ट में कौन क्या है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं नियुक्ति अब तक। सबसे पहले मुख्यमंत्री राज्य के कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। सबसे पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे, चौधरी नारायण सिंह। राज्य की मतलब उत्तर प्रदेश की और प्लस इंडिया की सबसे पहली मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। राज्य में अभी तक दो मुख्यमंत्री हुई, सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती जी। मायावती जी ही जो है सबसे ज़्यादा और सबसे टाइम पीरियड अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का है यूपी में मुख्यमंत्री बनने का। इस समय जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो कार्यकाल के रूप में 32वें हैं लेकिन व्यक्ति के रूप में 21वें हैं, तो 21st हैं वो CM, और ओवरऑल 32। अभी मैं लिस्ट भी दिखाऊंगा। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने हैं, सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री मायावती बनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री कौन कौन है, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। पहली राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थी, मतलब आज़ादी के बाद की बात हो रही है यहाँ पे। अभी पूरी लिस्ट देखेंगे तो हम देखेंगे आज़ादी से पहले भी थे, तो आज़ादी के बाद की है सरोजिनी नायडू। राज्य और देश की पहली महिला जो है राज्यपाल यानी कि इंडिया की और यूपी की पहली गवर्नर सरोजिनी नायडू थी। सबसे ज़्यादा बार राज्यपाल कौन बने, मोहम्मद शफी कुरैशी और BL जोशी, दो दो बार। इस समय आनंदीबेन पटेल हैं, ये हैं 28वीं गवर्नर, ये जरूर याद रखिएगा। तो योगी आदित्यनाथ 21वें मुख्यमंत्री हैं पर्सन वाइज, ठीक है, कार्यकाल वाइज 32 हैं, और जो आनंदीबेन पटेल हैं वो 28वीं राज्यपाल हैं, ये जरूर याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो अध्यक्ष थे चंद्रपाल थे। सबसे ज़्यादा बार विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष बने बीरेंद्र स्वरूप, दो बार फुल, तीन बार जो है एक्टिंग। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। उसके बाद सबसे ज़्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष यानी कि विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली वाले आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को कौन कौन ऐसे हैं जो दोनों हुए हैं, श्रीपति मिश्रा और श्री बनारसी दास। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इलाहाबाद हाईकोर्ट के श्री वॉल्टर मोर्गन, और जो है 46वें अभी बताया मैंने, 47वें भी बताया अभी गोविंद चौधरी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किए थे ये, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, गोविंद माथुर, गोविंद चौधरी नहीं। और प्रथम लोकायुक्त जो है विशंबर दयाल, इस समय जो है लोकायुक्त कौन है, 7वें है ये संजय मिश्र। ये कुछ लिस्ट है ये चीफ जस्टिस जो यूपी में रहे हैं, ये सबसे पहले थे वॉल्टर मोर्गन, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये बात करेंगे यहाँ पे, इस समय गोविंद माथुर हैं, ये 47वें नंबर के उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट हैं, ये जरूर याद रखिएगा। तो 47 है चीफ जस्टिस ऑफ यूपी, 21वें मुख्यमंत्री हैं, 28वीं राज्यपाल हैं, 7वें जो है अभी लोकपाल अभी हमने देखा, तो ये चार आप याद रखिएगा। अब देखिए ये लिस्ट मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट निकाली, ये आपको देखना बड़ी ज़रूरी है। और उससे पहले ये जो है ये टेलीग्राम में ग्रुप है ये हमारा ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमको यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज़ आप, ये रिक्वेस्ट जरूर है आपसे
इसको फॉलो कर लीजिएगा टेलीग्राम को डाउनलोड करके, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए ये है एड्रेस जो कि डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। चलिए इसमें लिस्ट देख लेते हैं। इसमें जैसे ये देखिए लिस्ट ऑफ ऑल गवर्नर्स ऑफ यूपी है, ठीक है। तो देखिए अगर इसमें आपने क्लिक किया तो ये अलग से खुलेंगे ये पेज, ऑनलाइन दिखा रहा हूँ आपको। ये राजभवन जो यूपी का राजभवन है उनकी है तस्वीर। अब देखिए इसमें प्रेजेंट में तो आनंदीबेन पटेल है तो उनका नहीं दिया है, ये फॉर्मर गवर्नर की लिस्ट है पूरी। तो अब वो 28वीं है, 27वीं राम नायक थे, फिर अजीत कुरैशी थे उनसे पहले, ठीक है, बीएल जोशी थे, टीवी राजेश्वर थे, ठीक है, सुदर्शन अग्रवाल एक्टिंग थे, विष्णुकांत शास्त्री थे उनसे पहले, फिर सूरज भान थे, ये मोहम्मद शफी कुरैशी थे, ठीक है, फिर ये रोमेश भंडारी मोहम्मद शफी कुरैशी, ठीक है, फिर ये मोतीलाल वोरा बी सत्यनारायण रेड्डी, फिर उससे पहले कौन थे, श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ, उससे पहले चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह। तो ऐसे पूरी लिस्ट देख सकते हैं, पूरी लिस्ट रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए। जैसे अगर आप बात करें यहाँ से कि जैसे आज़ादी के बाद तो सबसे पहली कौन बनी, सरोजिनी नायडू, उसके बाद श्री बीबी मलिक, ठीक, और आज़ादी से पहले भी जो है यूपी जैसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, तो सबसे पहले अगर आपको बात करी जाएगी तो ये कौन है, ये थे श्री सर हार्डकोट बटलर। 1922-21 जो 1919 वाली जो आई थी स्कीम उसके तहत बने थे। फिर उसके बाद विलियम एस मैरिस, फिर अलेक्जेंडर फिलिप्स मुद्दीमान, ये ऐसे बने, ये वाले सब बने थे, विलियम मैलकॉम हेले और सर हैरी ग्राहम हेग। तो ये पूरी गवर्नर की लिस्ट है, मतलब कुल मिला के बस आपको याद ये रखना है कि आनंदी बैन 28 थे और इनसे पहले वाले कौन थे, वो थे आपके 27th, ठीक है। फिर देखिए ये सेकंड जो लिस्ट आपको देखनी है, ये यूपी जो है जैसे योगी जी जो हैं 21st पर्सन वाइज हैं और 32वें टोटल हैं कार्यकाल वाइज। वीर बाला बोलते हैं आनंदी बेन पटेल को, जो गवर्नर हैं राज्यपाल हैं यूपी की, इन्होंने यूपी के 28वें राज्यपाल के तौर पर यहाँ पर शपथ ली, जरूर याद रखिएगा। इस लिस्ट को देख लेते हैं यहाँ पर, ये भी ऑनलाइन लिस्ट है ये, इसमें आप पूरे जो है लीडर ऑफ हाउस या फिर चीफ मिनिस्टर की पूरी लिस्ट देख सकते हैं ये, ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। लिस्ट वाला व्यू कर लेते हैं इसमें, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सबसे पहले कौन थे, श्री नारायण मोहम्मद अहमद साहिद खान 1937 में थे, फिर पंडित गोविंद बल्लभ पंत बने थे, आज़ादी के बाद भी सबसे पहले यही बने थे, उससे पहले यही प्रीमियर थे। और फिर अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे चीफ मिनिस्टर्स की तो 32वें कार्यकाल वाइज है आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी, और जो है 21वें है पर्सन वाइज, ठीक है, पूरी लिस्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर पूरी लिस्ट के लिए हमको जाना पड़ेगा इस लिंक पे चलते हैं। देखिए ये विकिपीडिया में जरूर दिया हुआ है लेकिन बिल्कुल सही दिया हुआ है यहाँ पे, जितना डेटा है मैंने सब चेक कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे चीफ मिनिस्टर की, यहाँ पे पूरी है इस समय, तो ये हैं 5 साल का टर्म होता है, सबसे पहले कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत। अब यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं कि अभी तक 21 हुए हैं जिसमें से 11 जो हैं कांग्रेस से थे, ठीक है, और वीपी सिंह ऐसे थे जो कि प्राइम मिनिस्टर भी बने, और जो है जैसे चरण सिंह भी थे जो कि प्राइम मिनिस्टर बने। यूपी में 2 महिला अभी तक मुख्यमंत्री रही, सुचेता कृपलानी और मायावती। अखिलेश यादव अभी तक यहाँ पे 38 साल में बने थे जो कि यंगेस्ट पर्सन है, सबसे कम उम्र में यूपी के बनने वाले। अच्छा आप एक बात बताइए, पूरे इंडिया में सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले जो है उन पर्सन का नाम बताइए, और प्लस वो किस स्टेट से हैं ये भी बताइए जल्दी से। उसके बाद देखिए इमरजेंसी यूपी में 10 बार लगा है अभी तक, 2002 में लास्ट टाइम लगा था, ठीक है, और ये पूरी जो है लिस्ट है यहाँ पे। फिर ये देखिए ये पूरी लिस्ट है यहाँ पे, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जैसे गोविंद बल्लभ पंत हैं, जैसे संपूर्णानंद हैं, तो ये पूरी लिस्ट विकिपीडिया में दी हुई है। इसमें इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जो इम्पॉर्टेंट वाली बात मैंने बता दी, 21वें हैं योगी आदित्यनाथ जी पर्सन वाइज और 32वें हैं कार्यकाल वाइज। और यूपी में असेंबली कौन सी चल रही है, 17वीं असेंबली चल रही है, 17वां विधानसभा चल रहा है, ठीक है। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल, टोटल नंबर ऑफ डेज जो है उसमें कौन यूपी का चीफ मिनिस्टर रहा है, सबसे ज़्यादा दिन तक यूपी का मुख्यमंत्री कौन रहा है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। फिर नेक्स्ट जो इसमें लिस्ट है वो है लिस्ट ऑफ ऑल स्पीकर, यानी कि विधानसभा के जो अभी तक अध्यक्ष हुए वो पूरी लिस्ट है, इसमें चलते हैं यहाँ पे। ये लिस्ट मैंने यहाँ पे ऑफिशियल साइट से ले रखी है, इसलिए यहाँ पे लिखा भी है वैसे आगे हिंदी में, लेकिन ऑफिशियल साइट से लेने का एक अलग ही वो है यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं डेटा यहाँ पे।
देखिए ये जो हैं ये स्पीकर हैं अभी तक के, इस समय कौन है, हृदय नारायण दीक्षित हैं ये 22वें नंबर के स्पीकर हैं यूपी के, ठीक है, 2017 30 मार्च 2017 से अभी तक हैं। उसके बाद ये पूरी लिस्ट है विधान परिषद के चेयरमैन की, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। ये विधान परिषद के जो हैं पीठासीन अधिकारी कौन कौन है, ये आप इसमें देख सकते हैं, शुरुआत से पूरी लिस्ट दी हुई है कि सबसे पहले कौन थे, सर सीताराम, ठीक है, 1925 से 37 तक, और 37 से फिर 49 तक। इस समय कौन है, रमेश यादव, ठीक है, रमेश यादव हैं 11 मार्च 2016 से अभी तक हैं विधान परिषद के जो है सभापति, विधान परिषद के अध्यक्ष या फिर पीठासीन अधिकारी बोल सकते हैं, चेयरमैन मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के। प्रोटेम स्पीकर कौन रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्रोटेम जो सभापति रहे हैं यहाँ पे, वो उनकी पूरी लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। खैर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बीजेपी के जो एमएलए थे, ठीक है, उनका नाम था फतेह बहादुर सिंह, वो यूपी के प्रोटेम स्पीकर थे, ठीक है, तो फतेह बहादुर सिंह जो थे वो प्रोटेम स्पीकर थे यूपी लेजिस्लेटिव, जो 17वीं विधानसभा थी उसके। ये फिर कुछ कार्यकारी सभापति, इतनी इम्पोर्टेंट लिस्ट नहीं है ये वैसे। ये एक दो लिस्ट और है, लिस्ट ऑफ ऑल जो है डेप्टी स्पीकर, इनकी लिस्ट भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से यहाँ पे। जैसे इस समय देख रहे हैं आप, श्री राजेश अग्रवाल जी हैं, ये क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली के डेप्टी स्पीकर, ठीक है, डेप्टी स्पीकर हैं और ये 17वें नंबर के हैं, ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। और सबसे पहले कौन थे, श्री अब्दुल हकीम, ये नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा श्री अब्दुल हकीम, ठीक है। ये लास्ट लिस्ट है, ऑल लीडर ऑफ अपोजिशन है ये, इनकी पूरी लिस्ट एक बार देख लेते हैं। देखिए इस समय कौन है, श्री राम गोविंद चौधरी जी हैं, समाजवादी पार्टी से हैं और ये टोटल 43 नंबर के हैं अगर आप इसमें लिस्ट देखेंगे। अब यही सब चीज़ यहाँ पे मुख्यमंत्री के जो हिंदी में लिखी हुई है जो मैंने बता दी आपको पूरी, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं, एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर याद रख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बना, ये आपको बताना है, और सबसे ज़्यादा टाइम तक, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज किसके सबसे ज़्यादा हैं, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ये सारे मैंने दे दिया है। पहला है कौन से थे, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, और इस समय कौन है, इस समय हृदय नारायण दीक्षित हैं बीजेपी के, ठीक है। विधान परिषद सभापति यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन चंद्रभाल थे सबसे पहले आज़ादी के बाद, और उसके बाद इस समय है रमेश यादव, ठीक है। ये पूरी प्रेजेंट कैबिनेट की लिंक है, ये आपको एक बार देखनी चाहिए, इसमें मैं डिक्टेट नहीं करूँगा, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये पूरी राज्य मंत्री हैं, ये वाले पूरी लिस्ट लेटेस्ट है, ये अपडेट होता रहता है पूरा डेटा, तो ये वाला जो अपॉइंटमेंट है वो आप देखते रहिएगा, अभी तक का अपडेटेड है 28 सितंबर 2019 तक का। ये सब राज्य मंत्री हैं, आप देख सकते हैं इसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, इसको एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सारे बोल के नहीं बताऊंगा मैं। ये कैबिनेट मंत्री हैं, ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनके पास ये सारे डिपार्टमेंट है, गृह हो गया, आवास और शहरी नियोजन हो गया, राजस्व हो गया, खाद्य सुरक्षा और औषधि हो गया, ठीक है, प्लस भूतत्व खनिकर्म हो गया, बाढ़ नियंत्रण हो गया, कर निबंधन हो गया, कई सारे हैं मतलब यहाँ पे। फिर उसके बाद केशव प्रसाद जो मौर्य हैं, उनके पास लोक निर्माण हो गया, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम। दिनेश शर्मा के पास है माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी। सूर्य प्रताप शाही के पास है कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान, ठीक है। उसके बाद है सुरेश खन्ना के पास है वित्त, संसदीय कार्य और चिकित्सा से ये शिक्षा, औद्योगिक विकास है सतीश महाना के पास, ठीक है, ब्रजेश पाठक के पास है। तो ये है पूरा लेटेस्ट है, अभी ये है, इसमें आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे कौन है इसमें, ठीक, ये एक बार ज़रूर देख लीजिएगा थोड़ा सा ये लिख के, बाकी अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो ये पूरा नियुक्तियाँ हो गई जो लेटेस्ट कौन क्या है, और आप चाहें तो ये वाली जो लिस्ट है इसमें आप लेटेस्ट देख सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, यूपी सीएम की जो है, सीएम आवास की है, ये सीएम ऑफिस लखनऊ की पूरी लिस्ट है, ये एक बार इसको पढ़नी चाहिए आपको, ठीक है, कौन क्या है ये एक बार थोड़ा पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं एक बार, इसको पॉज करके पढ़ लो यार, बोलते बोलते मुँह दर्द होने लगता है। तो ऑल द बेस्ट है, जय हिंद, और प्लीज़ आप लोग प्लीज़ गुस्सा मत होया करिए, कई बार मेरे पास लोग ना व्हाट्सएप पे बहुत क्वेरी करते हैं, तो मेरी आवाज़ जो है बोल बोल के इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर मैं मान लीजिए कई बार ना भी रूट बोलना चाहूँ ना, तो लोगों को लगता है कि जैसे मैं उनको जो है रूट तरीके से बात कर रहा हूँ, वो मेरी आवाज़ ही ऐसी है यार, घटिया आवाज़ है, क्या करें,
तो ये समझ लिया करो कि यार आवाज़ ही ऐसी है मेरी, पूरे दिन लोगों को रिप्लाई करके मैं, जैसे मेरी जो 24 घंटे की दिनचर्या है उसमें मैं सिर्फ 3 से 4 घंटे सोता हूँ, बाकी काम जो है पूरे टाइम में मैं कभी किसी को जो है वीडियो को ऐसे बनाना है, कभी किसी को हायर करना है, ट्रांसलेशन चेक करना है, क्वेश्चन ठीक बने कि नहीं बने, किसी एडवोकेटर को कोई दिक्कत आ रही है, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं मतलब लगभग जो है पूरे दिन मुझे बोल बोल के मैसेज देने पड़ते हैं, चाहे टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सएप हो या फिर यूट्यूब में वीडियो भी बनाने पड़ते हैं जैसे मैं बना रहा हूँ अभी। तो ये वाली चीज़ों में मेरी आवाज़ जो है भाई साहब बहुत बार मैं नहीं बोलना चाहता हूँ वैसे, लेकिन फिर भी लगता है आप लोगों को कि रूड है, रूड नहीं है वो, थोड़ी लाउड हो सकती है, रूड नहीं है। और जो कमेंट भी करते हैं बिल्कुल आप लोग करते रहा करिए कमेंट, हाँ लेकिन ये ज़रूर है कि शब्दों पर ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। अगर आप कमेंट कर रहे हैं और वो भी मेरे वीडियो पे, तो एक बार जो है एक्स्ट्रा कॉशियस होकर करा करिए, आधी इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। हाँ अगर मान लीजिए आपने 6 अगर मान लीजिए मिस्टेक निकाली तो उसमें से ये देख लीजिए एक बार, डबल श्योर हो जाइए कि हाँ ये सही बात है मिस्टेक कि नहीं। बिल्कुल अगर कोई अगर गलती होगी तो एक्सेप्ट करता हूँ मैं, और हमारी प्रूफ रीडिंग टीम ही मैंने इसलिए रखी है क्योंकि देखिए अभी जैसे अगर अभी बीपीएससी के लिए हमने 15 टेस्ट बनाए, अब ठीक है 15 का मतलब हो गया 2,250 क्वेश्चन, अब इसमें अगर एक दो क्वेश्चन में कहीं एरर निकल गई तो हम समझते हैं ये ह्यूमन एरर है, ये हम इसीलिए लगातार प्रूफ रीडिंग की टीम हमारी लगी रहती है, और पेड ग्रुप वालों को बीच बीच में पूरा PDF भी दिया जाता है, अपडेट किया जाता है। अभी जैसे हमारे जब 15 टेस्ट सीरीज़ हो जाएंगे BPSC के, तो हम उसको फिर से चेक करेंगे कि अगर कोई गलत हो गया है तो हम उसको 5-6 अक्टूबर तक फिर अपडेट कर देंगे, और वो वाला अपडेट हम फ्री वाले टेलीग्राम में भी देंगे जिन्होंने हमारे वीडियोज़ देखे थे, ठीक है। तो आप ध्यान रखा करिए, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी तरह के क्वालिटी समझौता कर लेंगे। एक चीज़ और, अगर आप हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज़ ये एक बात ये में ध्यान रखिएगा, पेड ग्रुप सिर्फ इसलिए होता है कि आपको PDF सारी एक जगह पर मिल सकती हैं, पूरा गाइडेंस मिल सकता है कैसे क्या पढ़ना है, वॉइस नोट्स मिल सकते हैं, पिक्स मिल सकती हैं, प्लस अगर आप डायरेक्टली भी बात करना चाहें तो बात हो सकती है, ठीक है। और प्लस और भी किसी चीज़ में फंस जाएंगे आपको तो आपकी हेल्प की जाएगी, लेकिन वीडियोज़ हमारे फ्री थे और फ्री हैं, फ्री रहेंगे। जो भी लोग मतलब कुछ लोग को मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि लोग को समस्या ये है कि वो पेड ग्रुप में है तो वीडियो क्यों सबको मिल रहे हैं। अरे आप पेड ग्रुप में हो तो आप अपना देखिए, अगर आपकी कोई कमी हो रही हो तो बताइए। पेड ग्रुप में मैंने 8 टेस्ट सीरीज़ बोला था BPSC की, 15 दी हैं, लेकिन उनको ये बात की नहीं खुशी है, उनको ये समस्या है कि तुमने जो है 15 के 15 वीडियो क्यों अपलोड करे, मतलब ये तो हद हो गई। खैर मैंने जो बोला है वो मैं करूँगा ज़रूर, जो भी हमारे मतलब सब्सक्राइबर हैं जो नहीं ज्वाइन कर सकते हैं पेड ग्रुप, और जो ज्वाइन कर सकते हैं, तो दोनों का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।